नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में हम आपको दो 5-पिन सॉकेट, दो स्विच, दो होल्डर के कनेक्शन करना सिखाएंगे। यहाँ पर होल्डर हमारे स्विच के साथ डिपेंडेबल होंगे और सॉकेट डायरेक्ट होंगे। सॉकेट का जो हमारा राइट साइड का पॉइंट होता है वो हमारा फेस का होता है और लेफ्ट साइड का जो पॉइंट होता है न्यूट्रल का होता है। इसे उल्टा करने पर राइट साइड में हमारा न्यूट्रल और लेफ्ट साइड में हमारा फेस आ जाता है। सबसे पहले हम दोनों स्विचों के नीचे वाले पॉइंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। स्विच के दोनों नीचे वाले पॉइंट हमारे फेस के पॉइंट होते हैं। इसके अंदर से फेस की वायर जाती है। उसके बाद सॉकेट यहाँ हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, इसीलिए हम इस फेस के पॉइंट को सॉकेट के इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि स्विच के नीचे वाले पॉइंट को सॉकेट के फेस वाले पॉइंट के साथ। ये देखें, यहाँ पर ये सॉकेट स्विच के नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट हो चुका है। इसी तरह दूसरे सॉकेट को भी कनेक्ट करेंगे। दूसरे सॉकेट का यहाँ पर हम ये वाला पॉइंट लेंगे और स्विच का ये पॉइंट। ये देखिए दोस्तों, ये भी कनेक्ट हो चुका है। अब हम दोनों सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, न्यूट्रल के ये दोनों पॉइंट सॉकेट के। ये देखिए दोस्तों, अब हम होल्डर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक होल्डर दे रहा हूँ मैं, इनमें से दो वायर आ रही हैं। इनमें से एक वायर हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि ये स्विच पर डिपेंडेबल हो जाएगा। देखिए ये कनेक्ट हो चुकी है। इसी तरह दूसरे होल्डर की भी हम एक वायर को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये दूसरे होल्डर की वायर है और ये दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद दोस्तों, होल्डर में से जो एक और वायर आ रही होती है उसे हम न्यूट्रल के पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। न्यूट्रल के यहाँ पर ये दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों में से किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। फेस का न्यूट्रल का करंट इसमें फ्लो होगा और फेस का करंट स्विच के नीचे वाले पॉइंट से आएगा, जिससे कि सर्किट इसका कंप्लीट हो जाता है और बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाता है। ये तो हमारा एक सॉकेट हो गया, एक होल्डर हो गया। इसके बाद दूसरे होल्डर की जो एक वायर और है वो हम इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ मैं इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करूँगा इसे। ये देखिए, ये कनेक्ट हो चुकी है। अब हम मेन वायर लेंगे। एक मेन वायर हम फेस के पॉइंट से लेंगे और एक मेन वायर हम न्यूट्रल के पॉइंट से लेंगे। यहाँ पर रेड कलर की जो वायर है वो हमारी फेस की है और ब्लैक कलर की जो वायर है वो हमारी न्यूट्रल की है। सबसे पहले फेस की वायर। फेस की वायर हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट से ले सकते हैं और सॉकेट के इन दोनों पॉइंटों से ले सकते हैं जो कि हमारे फेस के हैं। यहाँ पर मैं स्विच के नीचे वाले पॉइंट, सॉकेट के इस पॉइंट से ले रहा हूँ फेस की वायर। चाहे तो आप इसे स्विच के नीचे वाले पॉइंट से भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी मेन वायर है रेड कलर की और दूसरी वायर न्यूट्रल की वायर, वो हम न्यूट्रल के पॉइंट से लेंगे। न्यूट्रल के हमारे ये दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों में से कहीं से भी ले सकते हैं। मैं इस पॉइंट से ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ से एक वायर निकाल ली। उसके बाद मैं होल्डर और मेन वायर को इस वायर के साथ कनेक्ट कर दूँ, क्योंकि इस पॉइंट में सारी वायर आ नहीं रही थी। ये देखिए, ये हमारी मेन वायर
और ये दोनों वायर सबसे पहले कनेक्ट करी। उसके बाद मेन वायर मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पर सिर्फ एक वायर और ले लिया अलग से, उसको उसके साथ मैंने होल्डर और इसकी न्यूट्रल की वायर को कनेक्ट कर दिया, क्योंकि इस पॉइंट में तीनों वायर एक साथ नहीं आ रही थी। उसके बाद हम इसकी टेपिंग कर देंगे। ये देखें, यहाँ हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट, यहाँ हमारे कनेक्शन पूरे हो गए हैं। अब मैं आपको इसे समझा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ हमने क्या करा है, फेस की वायर हमने नीचे से ली है, नीचे वाले पॉइंट से सॉकेट के, इसमें करंट फ्लो होगा, इससे इसमें, इसमें और इसमें, और न्यूट्रल की यहाँ पर हमने इस पॉइंट से ली है, जिससे कि न्यूट्रल डायरेक्ट हो जाती है और हमारे सॉकेट के अंदर डायरेक्ट करंट फ्लो होगा, क्योंकि फेस की वायर भी कनेक्ट है, न्यूट्रल की भी डायरेक्ट कनेक्ट है। स्विच के नीचे से फेस का करंट फ्लो है, ये दोनों पॉइंट हमने सॉकेट होल्डर के साथ कनेक्ट करे हैं, और होल्डर की दूसरी वायर को हमने सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि न्यूट्रल का करंट फ्लो होगा। स्विच ऑन करते ही इस पॉइंट में फेस का करंट जाएगा, फेस का करंट आगे होल्डर में फ्लो होगा, न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर रखी है होल्डर के साथ, जिससे कि करंट शुरू हो जाता है। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक ट्रिमर ले रहा हूँ। सॉकेट हमारे डायरेक्ट कनेक्ट है, सॉकेट में तार लगाते ही लाइट आना शुरू हो जाती है ट्रिमर में, इसी तरह दूसरे ट्रिमर में भी है। अब इन दोनों स्विचों को मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ सबसे पहले हमारे पास एक होल्डर है, ये देखिए लाइट आना शुरू हो जाती है बटन ऑन करते ही, और इसी तरह दूसरा है, ये दूसरा बटन दबाते ही इसमें लाइट आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।